आज भी शहर के उफक पर होगी बादलों और सूरज में आंख मचोली। कभी होंगे बादल तो कभी धूप, मगर मौसम रहेगा सर्द। महकमे मौसमियात ने मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई कर दी। रिहायशी घरों के नक्शों की मंजूरी सुस्त रवि का शिकार, 4549 नक्शाजात जमा हुए, 1251 इल्तवा का शिकार। ऑडिट रिपोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोभा प्लानिंग की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू, कार्रवाई के लिए एलडी और एंटी करप्शन की मुश्तरका टीमें तश्कील, कमेटी के खिलाफ कानून तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। क्रिकेट नेट पर प्रैक्टिस करनी है तो पैसे दो, पीएचए ने क्रिकेट खेलने पर भी फीस आयद कर दी। सब्जाजार स्टेडियम नेट प्रैक्टिस पर 10,000 रुपए महाना फीस आयद, नोटिफिकेशन की कॉपी स्टेडियम में खेलने वाले क्लब को इरसाल। आउटफॉल रोड पर गैस की बंदिश, इलाका मकी सरापा एहतजाज, 3 माह से गैस नहीं आ रही, लकड़ियां जलाकर भी गुजारा नहीं होता, बच्चों का भूखे स्कूल जाना मामूल बन गया, शहरियों की दुहाई। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई गैस बहरान, हकूमती अमूर तरजीहात से दूर, तब्दीली सरकार का टास्क फोर्स और एडवाइजरी काउंसिल बनाने पर जोर, सोशल मीडिया पर हकूमती मौकफ फैलाने के लिए मजीद 4 जिलाई एडवाइजरी काउंसिल्स की तश्कील, वजीर इत्तला'आत फ्याजुल हसन चौहान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साहिवाल ऑपरेशन जीआईटी को तहकीकात में नई उलझन, निकाबपोश अहलकारों की शनाख्त, फॉरेंसिक टीम के लिए बड़ा चैलेंज, ऑपरेशन करने वाले किसी अहलकार का चेहरा वाज़े नहीं, फॉरेंसिक टीम को वीडियो से शनाख्त के अमल में दुश्वारी, अहलकारों को मुख्तलिफ जावियों और तरीकों से शनाख्त करेंगे डीजी फॉरेंसिक लैब। 4 रोज की तफ्तीश के बाद गिरफ्तार सीटीडी अहलकार लाहौर से साहिवाल मुंतकिल, जीआईटी आज अहलकारों से बयान लेगी, 17 फरवरी से कबल इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराए जाने का इम्कान। सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग का एक और वाकया, पेशी पर आए नौजवान पर मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी, नौजवान कराहने लगा तो मुलजिमों ने दोबारा आकर कनपट्टी पर फायरिंग कर दी, मुलजिम बासानी फरार, सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की गफलत का पोल खोल दिया। पुलिस अहलकार मरकजी गेट पर मोर्चा छोड़कर भाग निकले, सेशन जज खालिद नवाज का फायरिंग के वाक्य का नोटिस, मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। मकतूल बिलाल पसंद की शादी केस में जमानत कराने आया था, थाना मुगलपुरा में लड़की के वाका मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अहम इजलास, जेर इल्तवा मुकदमात के जल्द फैसला जात पर तबादला ख्याल, आइंदा का लाहे अमल तरतीब देने पर मुशावरत, पुराने मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत। ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़, मोमिन अली आगा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात, मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब लगा दिया गया, जफर इकबाल कमिश्नर सरगोधा तैनात, जबकि महमूद हसन को मेंबर पीआरए बना दिया गया। हुकूमत नवाज शरीफ को सहूलियात फराहम करे, मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक इलाज किया जाए, मामले की हसासियत फौरी एक्शन की मुतकाजी है, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मौलिस डॉक्टर अदनान का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत। मार्च तक झाड़ू फिरने के अपने बयान पर कायम हो, नवाज शरीफ की कतरी से पथरी तक सियासत दफन हो जाएगी, पथरी के दम के लिए लाल हवेली के मुर्शिद पाक बैठे हैं, शहबाज शरीफ पीएसी चेयरमैन हरगिज कबूल नहीं, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अलीम खान की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज हो ना वॉकआउट, बिलावल के 3 जुमलों के जवाब में 6 कहे, अब मामला खत। कामरान माइकल का 5 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर, मुलजिम को 11-18 रेफरेंस में गिरफ्तार किया, मनपसंद अफराद को भर्ती इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम, नैब के वकील के दलाइल, क्या रेफरेंस में कामरान माइकल का नाम है, अदालत का इस्तफसार, रेफरेंस में नाम नहीं लेकिन तफ्तीश करनी है, नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, रेफरेंस में नाम नहीं फिर राहदारी रिमांड की ज़रूरत नहीं, वकील कामरान माइकल
इजहार यकजहती के लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर मेयर लाहौर अदालत पहुँचे। बोले एहतसाब यकतरफा है, अलीम खान को कोई नहीं पूछता। अलीम खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म एहतसाब का अमल घर से शुरू करें। चेयरमैन UC-66 के घर में घुसकर तोड़फोड़ और तशद्दुद का मामला। अदालत ने साबिक SPCD मोहज़फर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DSP मोहम्मद जमशेद और दीगर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। एडिशनल सेशन जज का हुक्म। पाँच साल में हर शहरी को साफ पानी फराहम करने का दावा। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत साफ पानी के बड़े मंसूबे ला रही है। पाकिस्तान में सालाना 20 लाख अफराद गंदा पानी पीते से मर जाते हैं। PC होटल में तकरीब से खिताब। मुशीर वजीर आजम नईमुल हक बोले मुल्क की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। सेहत कार्ड से गरीब आदमी 7 लाख तक का इलाज करवा सकता है। महकमे सेहत पंजाब का साबिक दौर के महंगे मंसूबों से जान छुड़ाने का फैसला। 6 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स मेडिकल यूनिवर्सिटियों के हवाले। यूनिट्स के खर्चात भी मेडिकल जामियात बर्दाश्त करेंगी। FBR की कार्रवाइयों का मकसद किसी को तंग करना नहीं। टैक्स जमा कराने के लिए बेहतर हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं चेयरमैन FBR जहां जेब खान का अफसरान से खताब। अलामा इकबाल डॉट अकेडमी में 45वें कॉमन के 40 अफसरान की पासिंग आउट परेड। पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स तकसीम। नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई शराब फरोश गिरफ्तार। 59 बोतलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दानिश मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। केनाल रोड पर चाकरे आजम अंडरपास में चारे से भरी ट्रॉली उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ट्रॉली को हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। गवाल मंडी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। बायोमेट्रिक मशीन और जदीद एंड्रॉयड सेट से मुतालिक अफराद की चेकिंग। 3 अफराद के खिलाफ किरायेदारी एक्ट के तहत कार्रवाई। सुपर लीग के लिए सुपर तैयारियां। कजाफी स्टेडियम को चमकाने का प्लान। सफाई सुथराई के लिए खसूसी मुहिम। LWMC के 300 से ज्यादा वर्कर स्टेडियम के अंदर और बाहर सफाई सुथराई करेंगे। शहरियों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। MD LWMC। मुगल स्टील और लाहौर कलंदर्स के दरमियान MOU साइन हो गया। शादमान में मुनाकिद हुई मफाहमती याददाश्त की तकरीब। मुगल ग्रुप के अहदेदारों ने मुआहदा तय पाने को खुशाइन करार दिया। गुलूकार अली जफर और अदाकारा मीशा शफी में कानूनी जंग। अली जफर समेत दीगर गवाहों दोबारा शहादत कलमबंद करवाने के लिए तलब। दरख्वास्त पर दोबारा समाज 26 फरवरी को होगी। कामयाब जिंदगी का राज। अलहमरा हॉल में ताल्लुकात में बेहतरी के उनवान पर लेक्चर। मोटिवेशनल स्पीकर शोआना मुफ्ती ने बताया शादी के रिश्ते की मजबूती के लिए समझौता लाजिम है। इंसानी जरूरत 4 चीजों पर मबनी है। पहला तहफ्फुज़, दूसरा तनाव, तीसरा प्यार, चौथा अहमियत। बदलते वक्त के साथ सोच बदलती है। तकरीब में नाम पर फनकार सुहेल अहमद, सदर बार कौंसल आसिम चीमा समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में सेव वाटर के नाम पर रंगारंग तकरीब। साईं जहूर और फलक शब्बीर ने आवाज का जादू जगाया। और जिलानी पार्क फूड स्ट्रीट में तब्दील। रंगारंग ईट फेस्टिवल। देसी और रवायती खानों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश।